मंगलवार को जिला क्षय रोग कार्यालय पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा की अध्यक्षता में फुटकर दवा विक्रेताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोगियों की खोज करके 2025 तक देश को क्षय रोग से मुक्त करना है, जिसके लिए दवा व्यवसायियों के साथ बैठक किया है। जिला क्षय रोग अधिकारी ने दवा व्यवसायियों से अपील किया है कि क्षय रोग से ग्रसित जो भी मरीज उनसे दवा ले रहे हैं तो उनकी जानकारी तत्काल प्रभाव से जिला क्षय रोग कार्यालय पर दर्ज कराएं, जिससे क्षय रोगियों को उचित इलाज हो सके। इस अवसर पर डॉक्टर विराट स्वरूप श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनील सिंह, धर्मवीर प्रताप सिंह, A.N. मिश्रा, मिर्जा आपता बेग, अरुण कुमार सिंह सहित थोक और फुटकर दवा व्यवसायी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए औषधि निरीक्षक संदीप चौधरी, अध्यक्ष दवा संघ योगेंद्र दुबे और जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा ने कहा, यह दवा हर्जर में चलने के कारण होता क्या है, स्टेट हो जाता है। एलिनामाइड, आइसोलेक्स, तमाम देसी दवाएं हैं कि जो आप लोग किसी के बच्चे को देखेंगे पास अलर्ट हो जाने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी एक सक्रिय हो जाएंगे, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, एक पेशेंट भी हमारा भी टीवी का जो है आ रहा है, दवा ले रहा है, तो उसको हम नोटिफाई कराएँ। हालांकि ज़्यादातर नोटिफाई होते हैं, लेकिन काउंटर चेक हो जाएगा आपसे, लेकिन स्टैंडर्ड रेडी होना, हमको उसको जो है अख्तियार होने से बचाना है। पता है कि पास आरसी कहीं कहीं से आइसोने अभी भी कहीं कहीं बारह दिन अभी क्यों नहीं होता, आराम हो गया, मरीज भी मस्त हो गया, डॉक्टर भी खुश, लेकिन यह है कि इस फेज में किसी को भी सही राय देंगे आपके पास मिल जाएगा कि वो फलाना साहब के यहाँ गए तो उन्होंने आपको सही सही राय दिया। देखो भाई, भलाई का काम कूड़े का काम है, लोग बैठे बैठे कूड़े का बीमारी से बन, और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सब जो है थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो हमारे जितने भी टीवी के पेशेंट हैं कहीं से भी छूट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ जरूर जो है पर्ची लेकर जाएंगे, उससे लेकर किसी की दवा जरूर मिलेगा। यदि किसी भी मरीज को चल रहा है तो उसको नोटिफाई करने से पहला होगा कि डॉक्टर जरूर लिखा दें। ये टीबी के उद्देश्य को लेकर आज मीटिंग हुई थी, लोगों को जागरूकता एक अभियान चलाया जा रहा है, और इसमें मेनली जो हमारे केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री भी आज शामिल हुए हैं, और केमिस्ट काफ़ी संख्या में आज आए हैं यहाँ। सबको ये बताया गया है कि जो टीबी में दवाएं इस्तेमाल की जा रही हैं उसका लोगों में जागरूकता फैलाना है, ताकि जो मरीज आते हैं दुकान पर दवा लेने के लिए उसका डाटा इकट्ठा करना है, और यहाँ डॉक्टर साहब को उसको उपलब्ध कराना है, ताकि हम ये देख सकें कि हमारे जनपद में कितने टीबी के मरीज हैं, उनका इलाज सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इस अभियान को अब हम जिले स्तर से हटा के तहसील स्तर पर ले जाने वाले हैं, हर महीने की एक डेट डिसाइड कर लेंगे, हर तहसील स्तर पर इसकी मीटिंग होगी, वहाँ पर सभी केमिस्ट बंधुओं को बुलाया जाएगा और उनको जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये अभियान छेड़ा है कि 2025 तक टीबी से की बीमारी से ये पूरे देश का हर व्यक्ति एकदम क्योर हो जाएगा, टीबी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देनी है। उसी परिप्रेक्ष्य में और यहाँ के जो टीबी क्षय रोग के मुख्य अधिकारी हैं रामेश्वर मिश्रा जी और हमारे ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं संदीप चौधरी जी, इन लोगों ने और जिलाध्यक्ष मैं यहाँ का हूँ योगेंद्र दुबे और हमारे महामंत्री हैं आलोक चौरसिया जी, और हर क्षेत्र से रिटेलर बंधु आए थे और उनको जागरूक किया गया कि टीबी के पेशेंट आएंगे तो कैसे उनका नाम और एड्रेस नोट करना है, क्या क्या मॉलिक्यूल हैं जो टीबी में प्रयोग होते हैं, और इसको जागरूकता अभियान के तरह से पूरे ज़िले में हर तहसील और हर जगह में इसको प्रसारित किया जाएगा और टीबी की बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। धन्यवाद। हाँ, ये जो है अपने गोरखपुर जनपद में अपने केमिस्ट बंधुओं को H1 फार्म टीबी से रिलेटेड जो भी दवाएं किसी भी डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है उसके नोटिफिकेशन के लिए सेंसिटाइज किया गया, और एक्टिव केस फाइंडिंग सघन क्षय रोग खोज अभियान भी चल रहा है इसमें अपने यहाँ 18 से 28 जून तक, उसके बारे में भी परिचर्चा किया गया। लेकिन मेन लक्ष्य ये था
कि हम अपने जनपद में जितने भी कहीं से किसी तरह के जो है टीबी के मरीज दवा खाते हुए मिल रहे हैं, किसी के द्वारा प्रेस्क्राइब किया हुआ पर्ची हो तो हमको जो है S1 फार्म के तहत नोटिफाई करके जो है उसको चिन्हित करना है, जिससे कि वो प्रॉपर समय से उसका जांच हो, से कहें कि MDR का पेशेंट तो नहीं है, उसको प्रॉपर दवा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, XTR तो नहीं है, और उसका समय से जांच करते हुए निश्चय पोर्टल पर एंट्री करते हुए और उसका समुचित इलाज किया जा सके। इसीलिए आज जो है अपने गोरखपुर जनपद के केमिस्ट बंधुओं का DIO सर के अध्यक्षता में हम लोगों ने ये सेंसिटाइजेशन मीटिंग किया और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने अथक प्रयास करेंगे, जिससे कि जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है केस को नोटिफाई कर सकें अपने गोरखपुर जनपद में और उनका समुचित इलाज हो सके।